नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिनमें मनोरंजन के तड़के के साथ ही बोल्ड सीन की खूब भरमार है। मिर्जापुर वेब सीरीज के कालिनी भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया था, जबकि उनकी पत्नी बीना त्रिपाठी का रोल रसिका दुग्गल ने निभाया था। इन दोनों के इंटीमेट सीन्स काफी बोल्ड हैं। समय के साथ वेब सीरीज की कहानियों में काफी बदलाव आए हैं। आज की वेब सीरीज पूरे मसालों के साथ जनता के सामने पेश की जाती है। आज हम आपको उन्हीं मसालेदार वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिसमें मनोरंजन के साथ बोल्डनेस का भी तड़का लगा हुआ है। नंबर वन पे आती है मिर्जापुर। मिर्जापुर वेब सीरीज में कालानी भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया था, जबकि उनकी पत्नी बीना त्रिपाठी का रोल रसिका दुग्गल ने निभाया था। इन दोनों के इंटीमेट सीन्स काफी बोल्ड थे। नंबर टू पर आती है सीक्रेट गेम्स। दोस्तों आपको बता दें, सीक्रेट गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गणेश गायटोंडे का किरदार निभाया था, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड का रोल कुबरा सेठ ने निभाया था। इस वेब सीरीज में कुबरा के किरदार का नाम कुकू था। इन दोनों का दिया गया बोल्ड सीन काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है बेकाबू वेब सीरीज। बेकाबू के अब तक दो सीजन आ चुके हैं। पहले सीजन का प्रीमियम साल 2019 में ओल्ड बालाजी पर हुआ था। इसकी सफलता के बाद निर्माताओं ने बेकाबू 2 में ज्ञान की कहानी को आगे बढ़ाया, जो मार्च 2021 में प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। एक दिलचस्प कहानी के साथ साथ सीरीज कई कामुक सीन से भी भरपूर थी और फैंस ने इसे पहले सीजन की तरह ही पसंद किया। दोस्तों अगले नंबर पर आती है मेड इन हेवन। यह वेब सीरीज रईसों की शादी का घिनौना सच दिखाती है। इस वेब सीरीज की कहानी तो अच्छी है, लेकिन कहानी के अलावा इसमें बोल्ड सीन की भी भरमार है। दोस्तों सबसे आखिरी नंबर पर आती है आश्रम वेब सीरीज। इस वेब सीरीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल ने अपनी किस्मत आजमाई थी। यह कहानी एक बाबा के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जिसका चेहरा भक्तों के सामने कुछ और होता है और असल जिंदगी में कुछ और होता है। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आए।